बल्ले बल्ले हो रहे होंगे, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का पार्ट नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, स्टेप लिखा ही नहीं होगा। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आप क्या करोगे दोस्तों? यहाँ दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कराने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो लेक्चर्स इसके ऊपर बना दिया है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आज ये लास्ट लेक्चर है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पार्ट वन की चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, साथ में ट्रिग्नोमेट्री मेरा लेसन चालू है गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो। और पार्ट टू की चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आ रही है, और अपने दोस्तों तक जितना चीज़ों को शेयर करोगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी अगर आपने इसके पहले के मेरे वीडियोज़ देखे तो अब आप क्वेश्चन को डील आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, -1 √3i/2, ये हमें ए का वैल्यू दिया है। और हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ए और हमें यहाँ पे बी का भी वैल्यू दिया है दोस्तों, b = -1 √3i/2। और हमें क्या करना है दोस्तों, सो दैट मतलब एक बार अपने को ए स्क्वायर सॉल्व करना है, ए स्क्वायर का अपना आंसर बी आना चाहिए, और दूसरी बार अपने को बी स्क्वायर सॉल्व करना है, बी स्क्वायर का आंसर ए आना चाहिए। सर किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए स्क्वायर वाला प्रूफ ले रहा हूँ, ए स्क्वायर मैं इसे ले रहा हूँ, और ए स्क्वायर को मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, बी। अब यहाँ पे ए का आपको वैल्यू पता है दोस्तों, ए का वैल्यू देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -1 √3i/2, यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब देखो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या हो गया, देखो ए का वैल्यू लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर दे दिया। अब अगर आप देखोगे, अब इसे आप सॉल्व करोगे, अब स्क्वायरिंग ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग दे रहा हूँ, -1 √3i इसे मैंने अलग स्क्वायर दिया, और नीचे वाले को भी मैंने अलग स्क्वायर दिया। तो फाइनली यहाँ पे ऊपर वाले की जगह पे दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, a² + 2ab + b² ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ a क्या है दोस्तों, हमारा -1, तो -1² प्लस 2a क्या है दोस्तों, -1, b क्या है दोस्तों, √3i प्लस 2ab + b², b का वैल्यू क्या है दोस्तों, √3i² तो a² + 2ab + b² और दोस्तों नीचे हमारा आंसर 2² कितना आएगा, 4। तो हमने बस देखो a + b होल स्क्वायर वाला मस्त फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अब उस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो -1² + 1 आएगा, किसी भी नंबर का -2² हमेशा प्लस आता है, प्लस माइनस दोस्तों माइनस, तो ये यहाँ पे क्या जो है 2√3i। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस √3 को अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्तों, ये 3 हो जाएगा, और i² दोस्तों कितना होता है दोस्तों, -1। देन इसके बाद यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, और मैंने आपको एक और चीज़ बोला कि कभी भी i का वैल्यू आपको नहीं पुट करना, उसके बाद i³ कुछ भी आता तो आपको पुट करना है। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, 1 है यहाँ पे, 1 ये मैं a² का ही पार्ट आगे सॉल्व करते जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2√3i है, और यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस माइनस, और 3 × 1 = 3, और नीचे क्या है दोस्तों, 4 है। अब फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो दोस्तों 1 यहाँ पे, 1 के आगे प्लस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 कितना आएगा दोस्तों, -2 आएगा, और यहाँ पे -2 √3i, और ये 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर सपोज दोस्तों मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 अगर सपोज मैंने बाहर ले लिया, तो ये देखो a² 2 मैंने अगर बाहर ले लिया, बस 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, माइनस ऐसी रखो, -1 −√3i, और फाइनली दोस्तों नीचे क्या है, 4, 2 × 1 = 2, 2 = 2, तो फाइनली a² = यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1 −√3i, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है दोस्तों, -1 −√3i/2, ये किसकी तरह दिख रहा है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों बी की तरह दिखाई दे रहा है। तो फाइनली ये अपना एक पार्ट क्या हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। तो बहुत सिंपल है, जैसे आप b² वाला सॉल्व करोगे ना, तो b² लिखो, b लिखो, और b का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लो, उसके अंदर से ये आपका a हो गया, पहला वाला वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, आपका a हो गया, और दूसरा वाला वैल्यू क्या हो गया आपका b। अब दोस्तों बीच में माइनस है, तो a - b वाला फॉर्मूला लगाओगे तो सेम आएगा, बस यहाँ पे माइनस आएगा। और ये पहला वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, सेकेंड वाला पार्ट आपको ट्राई करना है, और याद से आप ट्राई करना।
अब दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन आपके अभी आगे आएंगे, तो मैं ये सम सॉल्व करा दे रहा हूँ, तो जिससे आप उस टाइप के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे x प्लस आई वाई है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, ए प्लस आई बी का होल क्यूब है। तो फाइनली यहाँ पे आपको क्यूब वाला फॉर्मूला से इसे आप क्या करो, एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए का क्यूब प्लस 3ab। अब a हमारा क्या है दोस्तों, a है, और b क्या है हमारा दोस्तों, ib। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले वाले का स्क्वायर आता है, देखो a का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट करो, और दूसरे वाले का स्क्वायर। देन यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों, a है, और b का वैल्यू क्या है, ib, प्लस यहाँ पे b का क्यूब आएगा, मतलब जो आपका ib है उसका क्या आएगा दोस्तों, क्यूब। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो हमने आगे भी यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 ए स्क्वायर, और ये बी, और साथ में दोस्तों आए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो प्लस 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, बी का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे आई का स्क्वायर है, आई का स्क्वायर कितना होता है, -1। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बी का क्यूब है, पर आपको पता है यहाँ पे आई का क्यूब भी है, आई का क्यूब क्या होता है, -i। अगर आप बेसिक चीज़ों से बहुत अच्छे से लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो मैं इसे सिस्टमेटिक अच्छे से लिख दे रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी क्यूब। अब अगर मैं कोशिश करूँ, अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो आई वाला पार्ट मैं, हाँ देखो यहाँ पे ये आई मैं लिखा नहीं, साथ में आई आएगा। अब आई वाला पार्ट अगर मैं साथ में लिखूँ तो देखो ये जो बिना आई वाला पार्ट ये है, ये हमने लिखा, और अब मैं देखो आई वाला पार्ट, चलो ब्रैकेट भी नहीं ले रहा हूँ अभी, बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें आया नहीं था, इसमें आया नहीं था, साथ में लिख दिया। अब किस में आए हैं दोस्तों, इसमें आए हैं प्लस 3 ए स्क्वायर बी आए, और इसके अंदर है बी क्यूब आए, देखो ये भी हमने लिख दिया। फाइनली अगर मैं इसे लिखूँ तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, और ये i बाहर ले लिया। तो फाइनली अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट i वाला है, और ये वाला पार्ट बिना i का है। तो आपको पता कि जो i वाला पार्ट है उसको हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं, और जो बिना i का पार्ट है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई वाई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बाय इक्वालिटी, और इक्वालिटी, हाँ चलो ये वाला पार्ट यहाँ ही पे रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यही तो प्रूफ करना है, अगर इसमें इसे ही गायब कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बाय इक्वालिटी आप लिखोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं बाय इक्वालिटी लिख रहा हूँ। तो जो x वाला पार्ट है इसके अंदर भी आए नहीं है, तो इसमें से ये वाला पार्ट है इसके अंदर आए नहीं है, एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो y वाला पार्ट है वो किसको इक्वल है, इसको 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, इसको इक्वल है। अब मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद फाइनली दोस्तों अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दोस्तों मुझे x बाय ए चाहिए, और यहाँ पे y बाय ए चाहिए। यहाँ या तो चाहिए तो आप ये पूरा का पूरा वैल्यू वहाँ पे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनली आप आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं ऐसे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, मेरा अब LHS में लिख रहा हूँ, इसको दो तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं LHS लिख रहा हूँ जो मुझे प्रूफ करना है, देखो मैं LHS, अब यहाँ पे क्या है LHS है मेरा x बाय ए, और दोस्तों दूसरा LHS क्या है y बाय बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के प्लेस पे x का वैल्यू रख दे रहा हूँ, x का जो भी मेरा वैल्यू आया, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन a, और b का y का वैल्यू क्या है दोस्तों, 3a स्क्वायर b और माइनस बी क्यूब और अपॉन b। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ से दोस्तों कॉमन क्या आएगा, a, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और नीचे a है, a हमने बाहर ले लिया। अब फाइनली यहाँ से आप देखोगे तो दोस्तों क्या बाहर आ जाएगा, b, तो यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा क्योंकि b बाहर आ गया है, और यहाँ पे भी दोस्तों b है। अब अगर मैं ध्यान से अच्छे से प्यार से देखने की कोशिश करूँ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3, सॉरी ए क्यूब बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे अगर आप और अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो हमें फाइनली क्या प्रूफ करना है, 4a² माइनस। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो a है दोस्तों, ये वाला और ये वाला दोनों का अगर प्लस प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4a² हो जाएगा। और ये वाला दोस्तों माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो -3 -1 -4 हो जाएगा, तो -4b². अब अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 इन्होंने बाहर लिया तो हम भी बाहर ले रहे हैं, तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, a² - b². तो इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से, अगर कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना है। और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे भी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जोरदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे a+3i है, मैं ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों इसको उधर भेज रहा हूँ, ये 1 - i है, ये वाला पार्ट क्या आएगा, 2 + ib। अब मैं ये दोनों को सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करके बाय इक्वालिटी करके मुझे यहाँ पे a और b का वैल्यू चाहिए। जैसे मैंने वहाँ पे x और y का वैल्यू निकाला, तो यहाँ a और b का वैल्यू निकालूंगा, देन इसे क्या करूंगा, पुट अप करने की कोशिश करूंगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे a+3i है, इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, देखो ये मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 क्या आएगा, 2, देन 1 × ib होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ib, देन i × 2 क्या होगा, 2i, और माइनस प्लस दोस्तों माइनस, देन i × ib क्या होगा, i²b, माइनस प्लस दोस्तों माइनस, देन यहाँ पे क्या होगा, 2, यहाँ पे क्या होगा, ib, यहाँ पे -2। अब देखो यहाँ पे i² का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, -1, और यहाँ पे b, देन फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे लिखूँ तो 2 + ib -2i -± +b, देन यहाँ पे ये 2 है, ये b साथ में लिख रहा हूँ रियल पार्ट, और जिसके अंदर i है। अब देखो यहाँ से दोनों में से i बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे b है, और यहाँ पे चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, साथ में ही लिखता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। 2 लिख रहा हूँ प्लस b लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ib लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे 2i लिख रहा हूँ, हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों 2 + b ये हमने लिख दिया, देन यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, b - 2, और ये i बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, a+3i। अब अगर आप बाय इक्वालिटी अगर आप सॉल्व करते हो, बाय इक्वालिटी अगर आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे a विच इज इक्वल टू 2 + b, और यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू b - 2। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों पहले ये सॉल्व हो जाएगा, देखो इसमें एक ही अननोन है और इसमें दो दो अननोन है, तो पहले ये सॉल्व करो, तो यहाँ पे ये b अकेला होगा, और ये देखो ये 3 है, -2 यहाँ पे आएगा, तो 3 से प्लस होके डायरेक्ट मैं 5 लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। -2 देखो यहाँ आया, +2 हो गया, 3 के साथ 5 हो जाएगा। अब ये 5 वाला वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हो, 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7, तो बी इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 7, सॉरी ए इक्वल टू हमें 7 मिल गया, और बी इक्वल टू हमें 5 मिल गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका 5 है, -7b है, ये हमारा क्या है दोस्तों, LHS। अब मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए आपका 7 है, द वैल्यू ऑफ बी क्या है दोस्तों, आपका 5 है, 7 × 5 = 35, -7 × 5 = 35 विच इज इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू RHS। अब देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताया हूँ कि आप हमेशा ये वाला पार्ट इधर भेजो, इसे बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कॉन्जुगेट लेके सॉल्व कर सकते थे, मैं यहाँ पे अब बाई इक्वालिटी यूज कर रहा हूँ, और सिस्टमेटिक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और फाइनली यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक लॉजिक लेकर आना है। देखो मैं ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको बता रहा हूँ किस तरह से, देखो जो अभी हमें इफ के बाद दिया उसे हम लिख रहे हैं, इफ के बाद जो भी पार्ट दिया उसे आप सबसे पहले लिख दो ib, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, c + id। अब आपने इफ के बाद जो भी पार्ट है उसे सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया है दोस्तों, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये रूट को गायब करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रूट को गायब करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, x+, ये देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, होल स्क्वायर लिया, और यहाँ पे स्क्वायर लेने जाऊंगा तो दोस्तों ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, c + id। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों,
या तो आप ये देखो, ये वाले पार्ट को आप एक्सपांड कर सकते हो, और ये वाले पार्ट का यहाँ पे आप कॉन्जुगेट भी साइड में ले लो, नीचे वाले पार्ट का सी माइनस आई डी और सी माइनस आई डी। कॉन्जुगेट मैंने आपको सिखाया, नीचे वाले पार्ट का आप कॉन्जुगेट ले लो। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए क्या आएगा दोस्तों एक्स, बी क्या आएगा दोस्तों आई वाई, प्लस बी स्क्वायर मतलब आई वाई का स्क्वायर। और मैं ऊपर वाले से मना रहा हूँ कि लाइट ना जाए, क्योंकि अभी मैंने जस्ट 12 के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए डिफ्रेंशिएशन के, और उसके बाद मैंने 10th का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, और बस 11th का कर रहा हूँ। भगवान से ऊपर वाले से दुआ है कि ये लेक्चर पूरा हो पाए कि नहीं हो पाए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने लेक्चर नंबर सेकेंड में ही फॉर्मूला देखो, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए मतलब आपका सी है उसका स्क्वायर ले लो और बीच का माइनस, और बी मतलब आपका आई डी है उसका आप स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर आया, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू सी क्या होगा दोस्तों ए सी, देन ए इंटू आई डी क्या होगा दोस्तों ए डी आई, और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। अब देखो ये बी इंटू सी क्या होगा दोस्तों बी सी होगा, और साथ में आए प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों प्लस, देन बी इंटू डी क्या होगा दोस्तों बी डी होगा, और यहाँ पे आई इंटू आई आई स्क्वायर, और दोस्तों प्लस माइनस माइनस। तो हमने ये भी अच्छे से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों टू एक्स वाई आई, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों वाई स्क्वायर। अब फाइनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों माइनस वन, और यहाँ पे क्या बी डी, और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या होता है माइनस वन और डी स्क्वायर। तो हमने बहुत अच्छे से सभी वैल्यूज़ को लिखे, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइन है, कोई हमारा साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों टू एक्स वाई, और यहाँ पे दोस्तों आई स्क्वायर मतलब माइनस वन होगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा वाई स्क्वायर। प्लीज ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा मैंने सेम लिखा है, बस यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे वहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों माइनस वन। और अगर ये वाला पार्ट आप लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए सी ए डी आई प्लस बी सी आई, और प्लस माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बी डी, और नीचे क्या आएगा दोस्तों नीचे क्या आएगा सी स्क्वायर, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी स्क्वायर। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई माइनस वाई स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर वाला अब मैं देखो ये जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ लिखता हूँ, मतलब ए सी को प्लस बी डी के साथ लिखता हूँ। एंड दोस्तों ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे क्या है ए डी है, और दोस्तों यहाँ पे प्लस क्या है दोस्तों बी सी है, और यहाँ पे आई है, और यहाँ पे भी आई है, और यहाँ पे क्या सी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या दोस्तों डी स्क्वायर है। हमने सब कुछ लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो रियल पार्ट क्या है एक्स है, और क्या है दोस्तों माइनस वाई है, इसको साथ में लिखा, और दोस्तों ये इमेजनरी पार्ट है, ये समझ जाओ आपका रियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट दोस्तों आपका इमेजनरी है, ये हमने लिख दिया। और सेम ऐसी मैं ऊपर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ए सी है प्लस बी डी है, ये रियल पार्ट है, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है। तो ये रियल पार्ट के साथ मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा लिख रहा हूँ, बीच में मैं क्या लूँगा दोस्तों प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस लूँगा। और अगर आप ऊपर का देखोगे तो ऊपर आए मैं बाहर कर रहा हूँ, तो ऊपर क्या आएगा माइनस ए डी, ये माइनस ए डी प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी सी, और ब्रैकेट मैं साथ में ले ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है, तो नीचे क्या आएगा दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये भी आपने लिख दिया। तो फाइनली इससे यहाँ पे आपको अगर बाय इक्वालिटी करोगे तो यहाँ पे आपको रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला है दोस्तों ए सी प्लस बी डी, और यहाँ पे क्या मिला है दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप करोगे तो दोस्तों टू एक्स वाई विच इज इक्वल टू आपको क्या मिला है, चाहिए तो आप इसे ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हो बी सी माइनस ए डी, ये वाला पार्ट मैंने पीछे ले लिया, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे दो पार्ट आपको मिल गए,
दो पार्ट यहाँ पे आपको दोस्तों मिल गए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गए। अब हम कोशिश करेंगे हमारे आंसर निकालने के लिए। बट जब भी मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे प्लस है और दोस्तों मुझे माइनस मिला हुआ है, और ये एक और चीज़ हमें मिला है, तो ये कैसे है, इसका क्या यूज़ है? तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे बहुत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके हमें समथिंग ये कुछ आंसर निकालना है। अब ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज टू स्क्वायर है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है दोस्तों माइनस में, तो आपको इसका एक्सपांशन पता है ना दोस्तों? देखो इसका एक्सपांशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, बी क्या है दोस्तों हमारा वाई स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये इसका एक्सपांशन है। अब रूल वाइज मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि ये माइनस आ जाए। कर सकता हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूँ। बस करना क्या होगा दोस्तों मुझे, ये जो मेरा इसका जो एक्सपांशन है ना, ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट, इसको मैं पहले साइड में कर दे रहा हूँ। देखो ये अगर आप कहीं बुक में देखोगे ये स्टेप लिखा नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। देखो मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने इसको साइड में कर दिया। और ये मैं साइड में करने के बाद मुझे पता है कि यहाँ माइनस चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं माइनस ले ले रहा हूँ। अब मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म लिया है समझो, क्योंकि यहाँ वाला जो पार्ट था मैंने साइड में कर दिया था, अब मैंने ये एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि मुझे इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। पर जब भी आप एक्स्ट्रा लोगे तो उसको आपको बैलेंस भी करना होगा, तो ये आपने जो माइनस में लिया है तो दोस्तों उसको रेड सिग्नल से यहाँ पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे मैंने बैलेंस कर दिया। तो ये इसका, ये दोनों बैलेंसिंग है, और ये इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये वाला है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अब देखो मैं इसे ही कन्वर्ट कर रहा हूं, अब देखो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, ए लिखा आपने ए, और ये क्या है दोस्तों बी है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए है, ए इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, और बी भी लिखा, और ये पूरे का क्या आएगा दोस्तों होल स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपांड करते हो तो देखो आपको यही मिलेगा, देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी है, देखो ये दोनों का सरनेम सेम है तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये क्या आएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और फाइनली ये वाला पार्ट तो अब हमें बैलेंस होके मिल गया, पर ये वाला पार्ट भी हमें चाहिए, तो मैं देखो इसे भी कन्वर्ट कर रहा हूँ इस पार्ट में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों फोर किसका स्क्वायर है, टू का, एक्स किसका है एक्स का, वाई किसका वाई का, इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो फाइनली ये वाला आप कहीं पे अगर बुक में चेक करोगे तो ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखा होगा, बीच का स्टेप लिखा ही नहीं होगा, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे देखो आपके पास ऑलरेडी ये स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपके पास वैल्यू है दोस्तों, ए सी माइनस ए सी प्लस बी डी, और नीचे क्या है दोस्तों सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे ये वाला भी वैल्यू आपके पास है बी सी माइनस ए डी, और दोस्तों यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का यहाँ पे भी होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, ये देखो ये होल स्क्वायर मैंने सिखाया आपको किस तरह से, ऊपर वाले को स्क्वायर ले लो नीचे वाले को ले लो, सेम उसी की तरह आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, इसे पूरा एक्सपांड करो और आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और आएगा। और बस मैंने आपका काम बहुत ईजी कर दिया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले पार्ट को ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करो, नीचे वाले पार्ट को करो सेम उधर भी करो, फिर दोनों को एडिशन करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्लीज़ इस क्वेश्चन को पूरा एंड तक करना, जो डिफिकल्ट पार्ट था वो मैंने करके दे दिया है, अब एंड तक करके जितने लोग करोगे प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना कि सर मैंने ट्राई किया था, और अगर नहीं आया उसके बाद भी तो जब मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा या वन शॉट बनाऊंगा वीडियो तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे, अब मैंने आपको सिखा दिया है। देखो यहाँ पे ए प्लस आई बी है, यहाँ पे वन प्लस आई है, वन माइनस आई है, आप इसका कॉन्जुगेट ले लो, वन माइनस आई का वन प्लस आई, वन प्लस आई नीचे वाले का। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा, और जस्ट आप ए की जगह पुट कर दो बी की जगह पुट कर दो और आपका आंसर वन आपको मिल जाएगा। तो
तो देखो अगर चलो ये क्वेश्चन चाहिए तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। नीचे वाले का स्क्वायर और ये आई का स्क्वायर और ऊपर वाला जो है दोस्तों दोनों सेम है, तो इसे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब दोस्तों अगर मैं देखूँ तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20 स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है -1। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, आगे अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस आई बी विच इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 2 आई और यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 आई और यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों -1। और नीचे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे 1 प्लस 1, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस 2 आई -1 और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस 1, मतलब नीचे डायरेक्ट 2 ले लो और ये देखो 1 और -1 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 आए और नीचे 2, तो फाइनली वो भी कैंसिल हो गया, आए आ गया, तो यहाँ पे ए प्लस आई बी। अब अगर मैं इसे इक्वालिटी से इक्वेट करता हूँ तो ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा दोस्तों 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल पार्ट नहीं है, और बी इक्वल टू दोस्तों हमें क्या मिलेगा, यहाँ आई है, आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बी इक्वल टू 1 मिल गया और ए इक्वल टू 0। जस्ट इसे आप एल एच एस के वैल्यू में पुटअप कर दो, देखो एल एच एस ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू हमें 0 का स्क्वायर मिला है दोस्तों, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर मिला है, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन अब दिखने में बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैंने बोला है कि कभी भी अगर कोई भी रूट किसी भी रूट को मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा अगर समझो 7 रूट 7 रूट को मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर 7 आएगा, और अगर समझो 7 अगर 3 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट के अंदर आ जाएगा, 7 रूट अगर √3 को होगा तो √21 आएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो और नीचे का पार्ट का क्या होगा दोस्तों, नीचे का पार्ट एक दूसरे को मल्टीप्लाई होगा, मतलब वहाँ फॉर्मूला आ जाएगा। इसे आप एक्सपांड करो और एक्सपांड करने के बाद आपको वहाँ पे कोई भी नंबर्स मिलेगा तो आप उसे, क्योंकि मैं रियल नंबर्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ऊपर भी मैंने रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अब दोस्तों इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसकी तरह है सेम, ये देखो ये सेम पूरा का देखो 4a² b सेम, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिया है और हमें ऐसा निकालना है, चेक कर लो आप, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। देखो मैं आपको इसलिए ये सब तरीका बता रहा हूँ कि आप एग्जाम टाइम पे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बताओ। पहले कैसा होता था, 10th के टाइम पे एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चन होते थे, आराम से सॉल्व हो जाता था सबके सब, पर यहाँ पे देखो 23 क्वेश्चन चल रहा है, 23 क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, और अभी भी ये तीसरा वीडियो है, तो आप एक दिन में एक ही दिन आपके पास टाइम होगा कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर क्वेश्चन समझने होंगे तो उसका एक क्वेश्चन करोगे दूसरा नहीं करोगे चलेगा। देखो क्यूब वाले फॉर्मूले से एक्सपांड करो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बनाओ, देन यहाँ से वाई का वैल्यू निकालो और एक्स का वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुटअप कर दो, अपने आप देखना है ये पूरा का पूरा आपको आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है, देखो ये वाला भी पार्ट बहुत सिंपल है पर ये मैं सॉल्व करके दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है x+2y, हवा बाहर बहुत तेज हो गई है, लाइट ना कटे भाई, और यहाँ पे आए, अब देखो मैं ये 5 है, ये जो 4i है ना मैं इसको यहाँ पे भेज रहा हूँ -4i। अब यहाँ पे इसे भी वही करना है बाय इक्वालिटी, रियल पार्ट को, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट जो है दोस्तों वो रियल पार्ट को इक्वल हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट है दोस्तों 2x-3y वो इमेजिनरी पार्ट को इक्वल हो जाएगा -4 को, ना कि 4 मत लिखना -4, देखो ये आई वाला पार्ट आई वाले पार्ट को इक्वल हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशन मिला है, जो भी हमें इक्वेशन मिला हुआ है दोस्तों, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। समझो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, एक बार चेक कर ले रहा हूँ मैंने क्वेश्चन सब सही से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यस सही से। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये वाला पार्ट 5 को इक्वल हो गया, ये वाला पार्ट -4 को इक्वल हो गया। अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो आपको 10th का एक रूल पता होगा, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में ही सॉल्व किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1.1 में, कि दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप उनके कोएफिशिएंट को सेम कर दो, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे आप 2 कर दे रहे हो तो दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, अगर इस वाले कोएफिशिएंट को सेम कर देते हो तो आप ऐड कर सकते हो।
तो मेरे लिए इजी है कि पहले इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। आपके ऊपर है आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 4y। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों तक लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे एक हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा और हम ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो 2x हो गया, यहाँ 4y हो गया, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया। तो फाइनली ये वाला पार्ट, ये आपका जो इक्वेशन नंबर 3rd है वो आपका नया इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd। आपको क्या करना है, 2nd इक्वेशन को 3rd इक्वेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2nd इक्वेशन को अगर मुझे 3rd वाले इक्वेशन से अगर सब्ट्रैक्ट करना है, एक मेरे यहाँ लेक्चर के बीच में एक चोर आया हुआ है, इसको साइड करो, जल्दी बाहर कर दो, बैठ जाओ उधर चुपचाप से। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2nd में से 3rd को 3rd ऊपर लिख दो, 2x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू माइनस 4। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम यहाँ पे साइन प्लस है तो चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस है तो दोस्तों यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों कैंसिल, प्लस प्लस, ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 7y, और यहाँ पे प्लस प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 14। तो y विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 2। और जस्ट ये y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, किसी एक में, इसमें पुट कर दो आपको x मिल जाएगा। अब देखो मैं इसी इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ y का वैल्यू 2, तो यहाँ पे फाइनली 5, तो यहाँ पे x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5 माइनस 4 x इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल, ये वाला मेथड 10th का है बस स्टार्टिंग का, ये वाला स्टेज 11th का है। तो जब आप अपने एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो बस आप इतना प्रैक्टिस कर लो, आगे आपको करने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में कर लोगे। पर देख लो आता है कि नहीं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मैंने सिखा दिया, एडिशन तो सबको आता होगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना। तो इसमें पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन आप एक्स वाई का वैल्यू निकालो। अब सर कैसे करेंगे, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो ये वाला पार्ट आप इससे मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस आई से। देन y माइनस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 1 प्लस आई से। देखो ये वाला पार्ट इससे, ये वाला पार्ट इससे, एंड देन दोस्तों नीचे वाला पार्ट 1 प्लस आई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे ही वाले पार्ट को, और दोस्तों यहाँ पे क्या है आई। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला पार्ट इससे। अब देखो यहाँ पे अच्छे से मल्टीप्लाई करना, x इंटू 1 x, देन x इंटू आई एक्स आई, देन यहाँ पे दोस्तों 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई दोस्तों आई। अब 1 इंटू 1 प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस क्या आएगा दोस्तों, माइनस। देन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे y इंटू आई 1 y आएगा, y इंटू आई क्या आएगा दोस्तों y आई। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस, देन 1 इंटू 1 माइनस प्लस माइनस, देन 1 इंटू आई क्या होगा आई, माइनस प्लस दोस्तों माइनस। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर आप करोगे पहले 1 का स्क्वायर और देन दोस्तों यहाँ पे i का स्क्वायर और विच इज इक्वल टू यहाँ पे i। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखा है यहाँ पे आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों कोई भी अगर टर्म है, ये देखो माइनस आए है, ये देखो ये प्लस 1 है, माइनस 1 कैंसिल हो गया। और अब देखो मैं x वाला, ये x, ये y, और कोई नंबर्स हैं नहीं है, तो ये मैं साथ में लिख रहा हूँ, तो x प्लस वाई मैंने साथ में लिख दिया। अब माइनस एक्स आए, ये भी हो गया, माइनस वाई आए, ये भी हो गया, माइनस आए, ये भी हो गया, माइनस आए, ये भी हो गया, ये भी हमने लिख दिया। और दोस्तों यहाँ पे आई स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस 1 विच इज इक्वल टू आई। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स आई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस वाई आए और आई और आई कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस टू आई, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू आई और अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1। देखो ये 1 है, 1 का स्क्वायर है, ये आई नहीं है, 1 का स्क्वायर है।
और दोस्तों ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस वन, और विच इज इक्वल टू आई। अब फाइनली आप सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ और अंदर आई बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर ये देखो माइनस एक्स आएगा, माइनस वाई आएगा और माइनस टू आएगा। और दोस्तों ये नीचे वन प्लस वन टू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू आई हो जाएगा। अब अगर आप बाय इक्वालिटी करोगे तो बाय इक्वालिटी करके आप सम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है, मतलब एक्स प्लस वाई, यहाँ पे इक्वल के साइड में देखोगे रियल पार्ट कुछ नहीं है तो जीरो को इक्वल होगा, और माइनस माइनस वाई माइनस टू जो है यहाँ पे दोस्तों आई के साथ टू है, टू को इक्वल होगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई, ये टू है माइनस टू वहाँ पे जाएगा, प्लस टू होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू फोर। अब आप इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे दोस्तों माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, तो आप डायरेक्ट एडिशन करो, कोएफिशिएंट भी सेम है, तो आप यहाँ पे सॉल्व करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का पार्ट नीचे को मल्टीप्लाई कर दो। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे भी शायद 13 आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 2 एंड 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 आई थिंक क्रम 13 आता है, 13 और 13 कैंसिल हो जाएगा, तो वही ऊपर रियल पार्ट को इक्वल हो जाए इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट को। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब देखो इस तरह मैं क्वेश्चन को जो मैं दे रहा हूँ इससे आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि एग्जाम टाइम पे मुझे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वैसे मैं लास्ट में जैसे ही आपके यूनिट टेस्ट आएंगे आप कमेंट करते जाना, मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा जिसमें मैं बताते जाऊंगा कि आपको किसी भी पार्ट को कैसे कवर करना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कैसे किस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन आपको कवर करना है। अब देखो यहाँ पे एक्स है, अब यहाँ पे दोस्तों वन से अंदर मल्टीप्लाई करते रहो, यहाँ पे थ्री एक्स आई है, एक्स दोनों को मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, यहाँ पे वाई टू वाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई आए, देन दोस्तों यहाँ पे माइनस फाइव है। मुझे बताओ यहाँ पे आई क्यूब का आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइनस आई, और मैं क्या कर रहा हूँ माइनस आई को ही डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस आई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये प्लस को ही गायब कर दे रहा हूँ, इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है आपको, रियल पार्ट को बताओ इमेजनरी पी, ये देखो बंद करो जल्दी बंद करो, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो यहाँ पे एक्स है, ये प्लस टू वाई है और दोस्तों ये फाइव है, ये रियल पार्ट हो गया। अब दोस्तों आपको इमेजनरी पार्ट लेना है, यहाँ पे क्या आएगा थ्री एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस आई, माइनस आई की जगह पे आपको क्या लेना है माइनस वन, क्योंकि आई तो बाहर आ जाएगा। तो देखो ये वाला भी हो गया थ्री एक्स, इसका आई बाहर चले जाएगा, इसका माइनस वाई भी हो गया, इसका माइनस वन भी हो गया, फाइनली बाहर आई इक्वल टू जीरो। अब आप रियल पार्ट को आप इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट कोई नहीं है, और दोस्तों यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को भी आप इक्वल टू जीरो कर दो क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी पार्ट भी नहीं है। अब फाइनली अगर इसे आप लिखोगे तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फाइव, और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू वन। आप दोनों ही इक्वेशन को देखो किसी भी एक, यहाँ पे टू है इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आपको आराम से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, देन उसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो वाई का मिल जाएगा, और फाइनली यहाँ पे एक्स वाई को प्लस भी करना है, इसको प्लस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, शायद मैंने यहाँ पे लिया नहीं, एक और क्वेश्चन है वैसे ही सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका ये वाला एक्सरसाइज 100% तरीके से कवर हो गया है। लास्ट में मैं एक ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और पार्ट वन की चीज़ों के लिए दोस्तों गिरी टूडल पर विजिट करना है, केमिस्ट्री के लेक्चर्स इस चैनल पर आ रहे हैं पूरे के पूरे, वहाँ पे आप देख रहे होंगे फिजिक्स वन के लेक्चर्स आ रहे होंगे, यहाँ पे फिजिक्स टू के आ रहे होंगे, और आपके बल्ले बल्ले हो रहे होंगे, फटाफट लेक्चर को देखते जाओ, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करो, और यहाँ पे क्रम भी हंस रहे हैं छोटे क्रम। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।